हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने नागिन फिल्म जो कि सुनील दत्त और रेखा की थी जरूर देखी होगी। उसमें नाग और नागिन का जोड़ा होता है, जहां पर नाग की मृत्यु के बाद नागिन बदला लेती है। और ऐसा ही रियल वाकया सामने आया है। इस मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नाग की मौत का बदला ले रही नागिन का आतंक इतना बढ़ गया है कि गांव के लोग परेशान हो गए हैं। अब तक इस नागिन ने 26 लोगों को डस लिया है। असल वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित एक नगर की बताई जा रही है। यहाँ एक नागिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 26 लोगों को डस चुकी है। जी हाँ, इस नागिन ने असल जिंदगी में बदला लेने की ठानी है। आपने वैसे तो कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी जहाँ रियल में नागिन ने बदला लिया हो, लेकिन ये बदला लेने आई है और 26 लोगों को डस चुकी है। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच की घटना है। यहाँ पर नागिन के इंतकाम की हैरान कर देने वाली दास्तां सामने आई है। अपने साथी की मौत पर गुस्सा नागिन ने लोगों को डसना शुरू किया है। बता दें, नाग पंचमी के दिन नाग को मारा गया था इसी गांव में। अब इसी इलाके के लोगों को ये नागिन डस रही है। एक के बाद एक 26 लोगों को डस चुकी है। इस खेत में जहरीले सांप निकलते हैं। आपको बता दें कि यहां पर लोग उन सांपों को मार देते हैं। हालांकि इस बार भी ऐसा ही हुआ। सांप काटने दौड़ रहा था, लोग भाग रहे थे। इसी बीच किसी ने उस सांप को मार दिया। उसकी नागिन जब आई और उसने 26 लोगों को डस लिया। आपको बता दें कि इसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें संदीप, गुलाबी देवी, शीला देवी, माया देवी, झल्ले, नेहा, धन प्रकाश, बधे, पवन और 26 और ग्रामीण शामिल हैं। नाग पंचमी के दिन मंदिर में रह रहे नाग के जोड़े में से नाग को ग्रामीणों ने मार दिया था। इसी वजह से शायद वो नागिन गुस्साई हुई है और आतंक मचा रही है। क्या कहेंगे अपने इस बारे में आप? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।